मैं मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम आया हूं मैं बदली और नुन्ने के जितने थे महम बेरी जज्जर बदली, अब बदली आया हूं। कुछ हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, फिर आगे से कुछ यूथ भी बैठा था, उनसे बतलावांगे यहाँ बतला लें। राम राम तऊ तऊ ठीक ठाक ठीक भाई। तऊ इलेक्शन आ गया? हाँ भाई इलेक्शन। कौन सी पार्टी ने जिताओ और क्यों जिताओ? भाई दीपेंद्र ने दीवानी आपने थे दीपेंद्र भाई। कितनी वोटों से जिता दोगे भाई? आप तो अपनी अपनी जिम्मेवार सब भाई बात सही बात है, सही बात है, सही बात है जी। राम राम नमस्कार जी। हाँ जी, कौन सी पार्टी? कांग्रेस के साथ है जी, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। पार्टी के साथ नहीं, दीपेंद्र के साथ। दीपेंद्र का राहुल अच्छा कि दीपेंद्र अच्छा? दीपेंद्र अच्छा, राहुल पप्पू है। राहुल दुकान पे है के? राहुल पप्पू है पांच। राम राम जी। राम राम भाई। हाँ जी राहुल या दीपेंद्र? दीपेंद्र दीपेंद्र। हाँ जी अपना दीपेंद्र का जी। दीपेंद्र अरे तकरीबन राम 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 सर सर यू है सर यू ठीक कर रहे है। अच्छा कौन सी सरकार ठीक है? तऊ है बीजेपी ठीक है ना भाई? है ना भाई सरकार ठीक है बढ़िया सरकार है जी। मोदी की बढ़िया भाई, मोदी की ठीक है। एक बार जिताओगे फिर मोदी ने? मोदी जीतेगा और मोदी जीतेगा जी। अच्छा जी। हाँ जी राम राम जी। राम राम भाई। कौन से ठीक है जी, मोदी के राहुल? मोदी ठीक है, राहुल तो गधा है। ऐसे सुना दिए। हाँ जी राम राम जी। दो निपटो गिनने पड़ जाएंगे ये हम बात में फेर गए। हाँ जी कौन सी सरकार ठीक से? सरकार समस्या हुआ ठीक ना यार? नहीं और एक एक का नाम बताओ। यो तो हमने देख लिया मोदी का, ये जैसा बेकार प्रधानमंत्री आज तक तो होया नहीं। अच्छा प्रधानमंत्री बीजेपी भी कांग्रेस भी दोनों को है? आ, है दोनों है मायावती का नाम ले दो, किसी और का ले दो। मायावती को ले मैंने मेरा भाग्य में उल्टा ही बोलना। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। कौन सी सरकार? दीपेंद्र। दीपेंद्र हाँ जी ठीक है, धन्यवाद जी धन्यवाद। हाँ जी रुक जो ना कंपटीशन है तगड़ा तगड़ा बीजेपी के लिए। हां बीजेपी ने कैंडिडेट भी ना पर है कोई इसकी टक्कर हो गई दीपेंद्र की टक्कर। अरे नाच रहे हैं लड़न भाई। हां भाई तुम भाई वो थोड़ा सा रहोगे तो उन तब तो मोटे पीछे तुम उनको नाम देते हो। वाह जी वाह वाह जी वाह। झुंड भर दे दे बाद और बुरी एक निकले चले जाएंगे सच्चे भर का मंदिर भाई। वीडियो पोस्ट कर ले आगे चलेंगे। अच्छा दूंगा चल भी कुछ मेरे यूथ भाई बैठे हैं तो बतला लिया। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया भाई, कती मौज माच रही है। मौज माच रही है। हाँ इलेक्शन आ गया, कौन सी पार्टी जिताओ? इलेक्शन का दिशा भाई ये पार्टी है कुछ ना बेकू बना रही है। थोड़े दिन पहले ये बीजेपी का अगर 15-15 लाख रुपया होंगे वे आज चीज मारे था को ना, हम बाट बाट देख कर दुखी हो लिए। ये भी हो आजकल राहुल बाज रहा पप्पू जी कहे मोदी जगह जगह भाषण देता, ये कह रहा है 72,000 रुपये मैं हर साल डालूंगा किसान लोग खाते में। हमने तो लाख देखो ना वे भी आओगे इसे जिसे मोदी ने जय करी सी वो कर राहुल करेगा। पहले कांग्रेस थी उससे पहले कांग्रेस ने कदे कम करे ना, भ्रष्टाचार का इतना बुरा हालात है कि कांग्रेस के राज में ऐसा था कि नीचे से ले ऊपर तक सभी भ्रष्टाचारी थे। भाजपा के राज में ऐसा है कि नेता ही नेता भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने स्पेशल अपना एक व्यक्ति छोड़ दिया भ्रष्टाचार के लिए, यही पैसे लेगा यही नौकरी लगवाएगा। कोई भी ऐसी भर्ती नहीं गई हरियाणा में, 3-4 भर्तियाँ जो भी हुई कोई कोर्ट में नहीं गई हो, हर भर्ती कोर्ट में केस रहा है। सेंटर की भर्तियाँ हैं, सेंटर की भर्ती उठा ले उनकी भी कोर्ट में पेशी लगती है, हर भर्ती पे सटे आता है। कह रहे थे भ्रष्टाचार मुद्दा, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के मुद्दे नीरव मोदी बाहर चला गया, देश को छोड़ के भाग गया, विजय माल्या छोड़ के भाग गया, बोल रहे प्रत्यावन करेंगे प्रत्यावन, आज तक तो हुआ नहीं कुछ भी उनका। फिर इलाज के? इलाज भाई यही है कि एक अच्छी सोच के साथ में कोई अच्छा नेता आए जो कि ऐसा दिखाई, ऐसा भी फिलहाल कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। केजरीवाल का नाम आया था जो एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा भी था, एक IAS अफसर भी था जिसे रिटायर आया था, अन्ना हजारे के साथ भी मिल गया था, परंतु वो भी दिल्ली में कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिखाया उसने कि उसको सेंटर अभी तो ऐसा किया जाए कि नोटा की वोट डाले जाए। अच्छा बिल्कुल ही सभी नेताओं को बहिष्कार कर दिया जाए, हर गांव के साथ बहिष्कार कर दिया जाए इन नेताओं का। क्योंकि क्या करते हैं
जो जिस भी पार्टी को जो ये लगता है कि ये नेता इसके पास 20,000 वोटे हैं वही उसको टिकट दे देती है, ये नहीं देखती कि कल वो इनेलो में था, आज वो कांग्रेस में है, परसों वो भाजपा में आ गया। दल बदलते रहते हैं अपना, जहाँ पर चल जाता है, जहाँ पर पैसे लगते हैं, हाँ यहाँ पर कमाई आएगी वही नेता पहुँच जाता है। ठीक है भाई जी, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया, कंफ्यूज ज्यादा हो आप भाई साहब। कौन सी सरकार आनी चाहिए भाई? हम तो आपा बहिष्कार करा इलेक्शन, आपा वोट ना गिरा की। अच्छा परेशान हो रहे हो? परेशान है की है, सारी एक से की गिरनी है भाई। जेजेपी जेजेपी हाँ जी नया चेहरा भाई, देखांगे नोटा की गिर काओगे सारे हम तो। अच्छा हम ना गिर काओगे जमाई जीव तरह बदल लिया ना का तो बिल्कुल। अच्छा देख लिया हमने, धीरपाल भी कई साल राज करके बदले मुंह गणा उधर मारे नैया ना करवाया, पर कुल मिला के काम तो वो करके गया है। 10 साल लगता नरेश प्रधान जी रह गए कांग्रेस का, अपने उन्होंने भी गणा काम नोटा दिखा है। बिल्कुल नोटा दिखा ही तो, ये तो जमा जी उतार दिया बदली वाले तो। चलो अभी आपने यो जवाब मिल गया होगा, ओडो कौन मिला? राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई साहब कौन सी सरकार है? भाई साहब सरकार तो कौन सी आज है, सारी भ्रष्टाचार थी लुप्त है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों। हाँ आड़े तम करा कांग्रेस का समर्थन दीपेंद्र भाई का। अच्छा बहुत ही अच्छा आदमी है, दी बेस्ट है, सभी लोगों की सुनता है, सभी आदमी के साथ मिलकर चलता है, कभी भी छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो उसमें तभी आ जाते हैं। ठीक है ठीक है। राम जी कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार आनी चाहिए दीपेंद्र। दीपेंद्र अच्छा जी भाई रहे ना ना ताऊ ने तो बता दिया। अच्छा हाँ जी चलो जी इनसे पूछ लें। राम राम जी। राम राम भाई। कौन सी सरकार आनी चाहिए? क्यों जो यो कह हुआ है दीपेंद्र बैश। चलो जी भीतर वाले भीतर बढ़ गए देख के ना, रहने दो रहने दो रहने दो, क्यों धक्का करो रहने दो, इतने शर्मीले के लेकर बतला। राम राम भाई। भाई सब ठीक ठाक? ठीक ठाक। इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए भाई? मोदी की। मोदी ठीक है ठीक ठीक है। थैंक यू। तो जी यू है बदली का, यहाँ का यूथ और वहाँ के बुजुर्गों की सोच। तो कहाँ पे है जी और कोई? अच्छा और भी है भाई, चलो देख ले वहाँ। और ये अपने गुलिया साहब हैं, इन्होंने फ़ोन करा था जी आदमी इकट्ठे करांगे आप आ जाओ। अरे मैं भाई जज्जर था तो 15 मिनट कर रहा था, पहुँच गया भाई जज्जर। इब मेरा भाई मेहनत बहुत कर रहा है, मंत्रों भी नहीं पूछा कौन सी पार्टी तय है, बाकी मिक्सअप से बोलना है, इनका परिवार ज़्यादा है तो कांग्रेस ज़्यादा हो रही है भाई, सीधी स्पष्ट बात। सुना है? आइए एक मिनट एक एक। चलो जी रहने दो, धक्का ना करो अगर ना हो तो बात को बात नहीं। तो जी ये गुलिया साहब फोन करा था, अजय भाई मेहनती बड़े हैं इकट्ठे करने लग रहे हैं, बुला लो ना अड़े तई ना आ जाओ ले भाई, ताई की भी पूछ लिया कौन सी पार्टी और क्यों। हाँ सिंपल सा पूछांगे गणावल जामा को नहीं। राम राम ताई। ताई ठीक ठाक? ताई इलेक्शन आ गया कौन सी पार्टी जिताओ? थारी गल था भाई ना हमारी गल तो कि मैंने, मैं तो कोई सरकार ही कौन पसंद होंगी ना। हाँ नहीं तो माँ बाप की नहीं जानते कति बड़का गल कति पक्का पक्का बड़का गल बड़क तो बीजेपी का नाम ले हुए हैं भाई हम जाएं जेजेपी की जेजेपी के लिए। हाँ जेजेपी जेजेपी के लिए भाई बड़का गल करना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला के लिए। दुष्यंत चौटाला के लिए बिल्कुल भाई जेजेपी के लिए। दुष्यंत चौटाला के लिए। अच्छा कति भाई तो जिताओगे भी दुष्यंत? बिल्कुल जिताओगे भाई। अच्छा जी आप जी ठीक है जी धन्यवाद धन्यवाद। चलो भाई ले पूछ ले भाई मरी ताई खड़ी एक और। राम राम ताई। ताई ठीक ठाक? ताई इलेक्शन आ गया कौन सी सरकार? मैं सरकार के बारे में ना विराज कर रहा है की वोट देनी है बस जेजेपी की देनी भाई जेजेपी की। हां ठोक के दिया। अच्छा अरे तुमने एक बात का कौन बेरा आ जा बड़े आगे तुमने एक बात बताऊंगा और भी कोई जेजेपी का क्या है भाई? अच्छा तुमने आज कुछ विशेष बात का बेरा है कि आज दुष्यंत का जन्मदिन है
भाई दुष्यंत के जन्मदिन का था फिर है मेरे यार फिर रुको दुष्यंत ने बुलावा है बुलाओ भाई बुलाना पड़ेगा ले भाई तई आइए एक बार बीच में तई आयो जी और जो दुष्यंत के फेवर में है हैप्पी बर्थडे दुष्यंत हैप्पी बर्थडे दुष्यंत हाँ जी आप ही बोलो जी हाँ भाई जे जे पी नहीं देंगे भाई सारी बोट मारिया डेगी भाई दुष्यंत ने आज जो भाई आज है हाँ भाई हैप्पी बर्थडे दुष्यंत धन्यवाद भाई धन्यवाद भाई दे नू कौन सुखा जाने दो मुबारकबाद दो मुबारकबाद हो जन्म जन्मदिन की मुद्दा मुबारकबाद हो दुष्यंत छोटा दुष्यंत जी ने गिफ्ट किया है देखो बात है क्या है भाई हम वोट देंगे दुष्यंत चौटाला ने अच्छा का कुण बाबा आई और बड़ा केक चाहिए हमें 200 वोट है 22 परिवार अच्छा पूरी 200 इतनी वोट दे देंगे यार देखो भाई सारा परिवार एक है यूं बीजेपी ने भी लोगन पसंद करा है दुष्यंत ने भी और कांग्रेस ने भी है नी जी कांग्रेस ने नहीं दीपेंद्र ने पसंद करा है दीपेंद्र ने भाई है नी दीपेंद्र अच्छा आदमी है युवा बंदा है बढ़िया काम करे क्वालिटी का बंदा गलगला बैठ रहा है गलगला परेशानी चल चलो जी धन्यवाद जय हिंद भारत माता की जय रुक जा बस चलो ठीक है भाई जय हिंद भाई